फ्रेंड्स, हमेशा बूंदी का रायता तो हम सब घर में बना ही लेते हैं, लेकिन एकदम यूनिक सी रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ जो कि है बूंदी शेक। जी हाँ दोस्तों, हमेशा आप चॉकलेट शेक या ये सब शेक ही बनाते हैं, लेकिन बूंदी शेक कभी नहीं बनाया होगा। तो बहुत हटके रेसिपी है, 2 मिनट में बन के तैयार होगी और झटपट बना लेंगे आप ये टेस्टी टेस्टी बूंदी का शेक, जो कि आप किसी भी गेस्ट को सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट भी इसका लाजवाब है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल बूंदी लिया। ये नमकीन वाली बूंदी नहीं है, ये नॉर्मल बूंदी है। मार्केट में नमकीन बूंदी भी आती है, मसाला बूंदी भी आती है, आपको जो बूंदी पसंद हो वो ले सकते हैं। एक कटोरी बूंदी में 1 गिलास पानी मिला के लगभग रख देंगे 5 मिनट के लिए अलग। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एकदम गाढ़ा दही ले लिया। आपको यहाँ पे एकदम गाढ़ा दही लेना है, एकदम पतला दही नहीं लेना है, वरना शेक बनाने में मज़ा नहीं आएगा। अब इसे हमें हल्का सा इस तरह से थोड़ा सा चला लेना है। अब चलिए मसाले ऐड करते हैं। तो मसाले में मैं यहाँ पे डालूंगी दोस्तों 1 चम्मच जीरा पाउडर। जीरा को घर में सेक के हमने भून के मिक्सी में पीस के पाउडर बना लिया था। आधी छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे। नमक आप अपनी पसंद से कम या बेसी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब हम यहाँ पे डालेंगे 2 बड़ी चम्मच चीनी। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा शेक का बैटर बिल्कुल तैयार है, और उधर तब तक हमारी जो बूंदी है हमने पानी में भिगोई है वो भी फूल के तैयार हो जाएगी। अब हम चलिए आपको शेक बनाना बताते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती भी मैं इसमें डाल देती हूँ दही वाले बैटर में। अब ये शेक का बैटर हमारा बिल्कुल बनके तैयार है, और बूंदी को भी मैं यहाँ पे संभाल लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जो बूंदी है वो भी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब आपको इस तरह से बूंदी को ले लेना है। अब इसे हम कैसे सर्व करेंगे, इस तरह से आप बूंदी को थोड़ा एक बार टच कर लीजिए, नॉर्मल, एकदम से भी ज़्यादा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। बस मैंने 5 मिनट ही भिगोया था पानी में और बूंदी रेडी है। कोई भी ग्लास या सूप बाउल या कांच के गिलास, जैसे मर्जी आप गेस्ट को या सर्व करेंगे, सबसे पहले डालेंगे 2 बड़ा चम्मच जो हमने पानी में भिगो के रखा था बूंदी, उसे। तो मैं आपको 2 गिलास में सर्व करके दिखाती हूँ। मैं बूंदी का पानी यहाँ पे निचोड़ूंगी नहीं फ्रेंड्स। इस तरह से हम एक्स्ट्रा पानी निकाल के 2 बड़ा चम्मच दोनों गिलास में बूंदी को डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर से जो हमने दही वाला बैटर बनाया था मसाले डाल के, वो इसके ऊपर डाल देंगे चम्मच से। इस तरीके से 1 बड़ा चम्मच भर के हम दही का बैटर डाल देंगे बूंदी के ऊपर। जब आप किसी को सर्व करें तब इस तरह से उसे बना के गिलास में सर्व करें तो ये खाने में इतने टेस्टी लगेंगे कि एक एक बूंदी जब मुँह में आएगी तो मज़ा आ जाएगा खाने में फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कुछ यूनिक सी रेसिपी है बूंदी से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसे हम दही डालने के बाद में इसके ऊपर से वापस से हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बूंदी। दोनों गिलास में मैं 1-1 बड़ा चम्मच बूंदी डाल दूंगी। बूंदी डालने के बाद अब हम गार्निश करेंगे कुछ मसाले। तो मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी भुना जीरा, स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ भुना हुआ जीरा और लाल मिर्च का पाउडर ऊपर से इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। मसाले आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। दोनों गिलास के ऊपर से मैंने इस तरह से लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे हरे धनिए की पत्ती। तो ये देखिए दोस्तों, अब इसमें आप लगा दीजिए स्पून और ठंडा ठंडा दही का बूंदी शेक बन के बिल्कुल तैयार है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और मेरे चैनल मोनिका अग्रवाल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह की यूनिक रेसिपी मिस ना करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।